हाँ लाल बाबू सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ गोर लगा था नहीं सर। हाँ प्रणाम प्रणाम कहिए सर, किस स्कूल में हैं आप? हम पचनौर में है, बेलसन। बेलसन ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर? ये है ना माने बेलसन से रोड मुड़ जाती है दयानगर होते हुए पचनौर। ना ना किस जिला में? सीतामढ़ी। अच्छा, सीतामढ़ी जिला में है सर। अरे संजोग से, संजोग से सर आपका भी नाम लाल बाबू राम है या मेरा नाम लाल बाबू चमार है? अच्छा सर, आप ऑन ट्रेन में है कि ट्रेन में? हम अभी तक ऑन ट्रेन में है, 16-18 में बीएड किया है। हाँ हाँ हाँ, अभी तक मतलब ऑन ट्रेन में आपकी बहाली हुई थी, 16-18 में बीएड कर लिए हैं? हाँ कर लिए हैं। अच्छा अच्छा सर, तो उसको सर्विस बुक में जुड़वा लीजिए, ट्रेन का चिट्ठी निकलवा लीजिए डीपीओ से। अच्छा सर, जो आपकी बहाली जो हुई थी ऑन ट्रेन में, किसके द्वारा किया गया था, किस नियम के तहत? एसटीटी के तहत। एसटीटी मतलब 2011 में एटीटी हुआ था, उसमें ऑन ट्रेन को भी मौका मिला था, उसके बाद आपका हो गया एसी कैटेगरी में। तो सर एसी कैटेगरी में हुआ होगा तो आप जाति प्रमाण पत्र बनाए होंगे? हाँ हाँ। तो जाति प्रमाण पत्र सर ब्लॉक से दिए थे कि अनुमंडल से? क्योंकि हम भी चमारे हैं इसलिए आपसे जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, तो ब्लॉक से बनाए थे। अच्छा अच्छा, ब्लॉक से जाति बनवाए थे। हाँ हाँ। आ तब फॉर्म अप्लाई किए थे? हाँ हाँ। तो नौकरी जो सर मिला आपको, इसका मतलब है कि जाति प्रमाण पत्र पर मिला? हाँ हाँ। आ जाति प्रमाण पत्र तब मिला जब संविधान में प्रावधान किया गया है चमार दुसाध के लिए। हाँ, तो चमार दुसाद के लिए जो प्रावधान किया गया संविधान में, तो ये संविधान कौन बनाया? भगवान ईश्वर? इस संविधान को किसने बनाया? अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब बनाए सर, तो इसका मतलब है कि आपके लिए तो भगवान अंबेडकर है। हाँ हाँ। तो आप अभी माध्यमिक शिक्षक संघ में पोस्ट किए हैं कि ईश्वर करे कि नियोजित कलंक मिट जाए, ईश्वर 33,000 करोड़ देवी देवता था, आपके लिए कुछ किया है? ना ना, तो नहीं किया है, तो फिर आप क्यों लिख रहे हैं ऐसा पोस्ट? जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब पाखंडी हो सकते हैं, तो जो हमारे कैटेगरी में अनपढ़ लोग हैं, गवार हैं, उनका क्या होगा? नहीं, ग्रुप में आने की बात नहीं, आप एक भी बात हमको बता दीजिए कि आपको जो अभी आप स्वीकार किए हैं कि आपको जो नौकरी मिली उस संविधान के तहत मिला, चमार जाति में मिला, और तब मिला जब बाबा साहब संविधान लिखे। बस तो नौकरी आपको मिला संविधान के वजह से, है ना? आप आज मास्टर साहब का हला रहे हैं अम्बेडकर साहब की वजह से, आ ईश्वर करे कि नियोजन मिट जाए। ईश्वर क्या क्या किया है आपके लिए? तो कुछ नहीं किया। ना, ना, बात है, हमारी बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम तर्क से हमको समझा दीजिए कि ईश्वर हमारे लिए कुछ किया हो। नहीं, वो तो कुछ नहीं किया। तो सर सुनिए, आप एक हाई स्कूल में है सर कि प्लस टू में? हाई स्कूल में है सर। तो हाई स्कूल के एक शिक्षक जो होता है, चाहे कोई भी शिक्षक, वो समाज का निर्माण करता होता है। अब हुआ क्या कि हमारे गांव में एक चमार भाई थे, और वो अमेरिका से अमेरिका में वो डॉक्टरी पढ़े, अमेरिका में वो डॉक्टर है, लेकिन जब वो गांव में आए, मेरे गांव की बात है, तो हम लोग बोले कि अरे सर आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत पैसा है, गांव में भी एक घर बनवा लीजिए। तो पैसे यहाँ रहते नहीं है, अमेरिका रहते हैं, लेकिन गांव में भी हम लोगों के कहने पर एक घर बनवा लिए। जब घर बनवा लिए तब सब पंडित जी लोग का, गांव का लोग दबाव देने लगा कि जैसे घर बोझ नहीं कीजिएगा तब तक इसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तब वो घर बोझ के फिर में पड़ गए। तो हम बोले कि सर आप ये बताइए कि पढ़े आप, डॉक्टरी किए आप, पैसा कमाए आप, घर बनाए आप, और उसमें घुसने के लिए ब्राह्मण आपको आदेश देगा तब घुसिएगा? तो जब सही बात है तो हम उनसे सवाल किए, जो बताइए डॉक्टर साहब आप इतने बड़े आदमी हैं, आपका घर है, उसमें जाने के लिए ब्राह्मण से आज्ञा लेना पड़ेगा? तो बोले हमसे कि देखो मास्टर, अरे इसमें मान लेना, अगर किसी को खिलाना है घर बोझ में तो 50,000 खर्चा पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है हमको? तो उनको क्या फर्क पड़ता है 50,000 खर्चा किए, घर बोझ में खिया है, ब्राह्मण का गोर छुए, तब घर में घुसे?
लेकिन उससे समाज में जानते हैं क्या हुआ? समाज में ये हुआ जो जब कम पढ़े लिखे लोग जब पाखंड का विरोध किए तो ये पाखंड जो पाखंडी जो लोग दुकान चलाते हैं धर्म का, वो लोग कहे जे तू बड़का पढ़ लिख गया रे, इतना बड़ा वो डॉक्टर अमेरिका में है, आऊ आके घर बोझ कराता है, मेरा गोर छूता है साला, तू नहीं छुएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं? समझ गया। क्या हम सर कहना ये चाह रहे हैं कि आप हाई स्कूल में टीचर हैं, जब आपकी सोच ऐसी है तो हमारे लोग जो अनपढ़ गंवार है उनकी सोच क्या होगी? इसलिए कभी भी नमक हराम मत बनी। नमक हरामी वो होता है कि सर देखिए, नमक हरामी वो होता है कि हमने नौकरी पाया बाबा साहब के चलते, हमने नौकरी पाया आरक्षण के चलते, आप पूजा करते हैं साला भगवान का, तो नमक हरामी ना हुआ? जिसने हमको दिया उसको हम नहीं पूज रहे हैं, जो नहीं दिया जिसने हमारा शोषण किया उसको पूज रहे हैं। चलिए ठीक है सर, हम सिवान जिला में है, संयोग से आपका ही नाम और मेरा नाम मिलता है। फर्क इतना है कि आप लिखते हैं लाल बाबू राम और मैं लिखता हूँ लाल बाबू चमार। चलिए ठीक है जी, सही है जी। चलिए ठीक है सर, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।